दोस्तों आज के कुछ दिन पहले जब मैंने ई बॉम्ब पर यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बॉम्ब पर वीडियो बनाई थी, उसके बाद काफी लोगों ने ये कमेंट किया कि भारत ऐसे किसी भी प्रकार के बॉम्ब पर काम नहीं कर रहा है। और दोस्तों काफी लोगों ने ये भी कहा कि भाई अगर ऐसे बॉम्ब पर भारत काम कर रहा है तो आप हमें कोई ऐसा सबूत दीजिए जिससे हमें विश्वास हो जाए कि भारत ई बॉम्ब पर काम कर रहा है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को हम बताएंगे कि आखिर ई बॉम्ब है क्या और क्या सच में भारत इस प्रकार के बॉम्ब पर काम कर रहा है या फिर नहीं। आज की ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और काफी ज्यादा नॉलेजेबल होने वाली है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी प्यारी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, जय फटाफट चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन पे प्रेस कर लेना ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। वैसे दोस्तों मैं बहुत ही कम शब्दों में आप लोगों को समझाऊंगा कि ई बॉम्ब क्या है। देखिए दोस्तों आमतौर पर आपने बॉम्ब जो भी सुने होंगे वो विस्फोट टाइप के बॉम्ब होते हैं, यानी कि उन्हें आप कहीं छोड़िए वो बहुत बार विस्फोट करेंगे और जहां पर बॉम्ब का विस्फोट होगा उस एरिया को तबाह कर देंगे। लेकिन दोस्तों ई बॉम्ब बिल्कुल भी ऐसे काम नहीं करता है। ई बॉम्ब इतना खतरनाक बॉम्ब है कि अगर एक बार आप किसी एरिया में या फिर किसी भी देश में उसे इस्तेमाल कर देते हो तो वो देश आम देशों की अपेक्षा कर 200 साल पीछे चला जाएगा। यहाँ दोस्तों मैं सच बोल रहा हूँ, 200 साल पीछे चला जाएगा। वो कैसे? देखिए दोस्तों आज के समय में पूरी दुनिया इलेक्ट्रिसिटी पर निर्भर है, यानी कि दोस्तों आज पूरी दुनिया में इलेक्ट्रिक से बने गैजेट, इलेक्ट्रिक से बने वेपन यूज होते हैं। अब सोचिए दोस्तों अगर वो वेपन ही काम न करे तो वो देश कितना ज्यादा पीछे हो जाएगा। तो बिल्कुल ठीक यही काम करता है ई बॉम्ब। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव छोड़ता है और उस एरिया में जितने भी इलेक्ट्रिक से चलने वाले गैजेट, वेपन या फिर किसी भी प्रकार की डिवाइस है वो पूरे के पूरे जैम हो जाते हैं। अगर आप चाइना के किसी भी शहर के ऊपर, मान लीजिए दोस्तों आप चाइना के बीजिंग शहर के ऊपर इस बॉम्ब को छोड़ देते हो तो पूरा का पूरा बीजिंग शहर, इलेक्ट्रो सिटी से चलने वाले जितने भी गैजेट या फिर वेपन होंगे वो सब ठप पड़ जाएंगे। या फिर आप चाइना के किसी बॉर्डर एरिया पर इस बॉम्ब का इस्तेमाल करते हो तो वो पूरा का पूरा बॉर्डर एरिया एक प्रकार से सीज हो जाएगा, क्योंकि ना तो चाइना का रडार काम करेगा, ना फिर डिफेंस सिस्टम काम करेंगे, ना ही किसी भी प्रकार के व्हीकल काम करेंगे। सोचिए दोस्तों उसके बाद चाइना कितना ज्यादा कमजोर हो जाएगा। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि इस बॉम्ब पर काम क्या था। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ क्या भारत भी ऐसे बॉम्ब पे काम कर रहा है। तो देखिए दोस्तों 2013 में DRDO के डायरेक्टर जनरल और डिफेंस मिनिस्टर के साइंटिफिक एडवाइजर अविनाश चंद्र ने मीडिया के एक इंटरव्यू में यह बताया कि भारत यहाँ पे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बॉम्ब पर काम कर रहा है, जो कि दोस्तों दुश्मन के इलेक्ट्रोसिटी से चलने वाले जितने भी व्हीकल और वेपन उन्हें बंद करने का, जैम करने का काम करेगा। दोस्तों ये जो इंटरव्यू है ये 2013 में दिया गया था, अब तक 8 से 9 साल बीत चुके हैं, यानी कि दोस्तों ई बॉम्ब को लेकर भारत के DRDO ने काफी कुछ हासिल कर लिया होगा। वैसे दोस्तों अभी आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि ई बॉम्ब है क्या और क्या सच में भारत ई बॉम्ब को बना रहा है या फिर नहीं। अगर अभी भी आपको विश्वास न हो तो 2013 के जो अविनाश चंद्र जी का इंटरव्यू है उसमें भी आप जाके देख सकते हो। तो दोस्तों अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।